दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आरबीआई की पाबंदी झेल रहे पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक यानी पीएमसी बैंक के ग्राहकों को अपने पूरे पैसे पाने के लिए कोर्ट से लेकर के बैंक के मुख्यालयों तक में चक्कर लगाना पड़ रहा है, लेकिन उनको मिल रही है तो सिर्फ तारीख पे तारीख यानी उनकी मुश्किलें कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। अब ताजा अपडेट ये है कि पीएमसी पर जो पाबंदी है उसकी अवधि एक बार फिर से आरबीआई ने बढ़ा दी है। तो पहले 31 मार्च 2021 तक पाबंदी थी, जिसे बढ़ा करके अब 30 जून 2021 तक की गई है। जैसा कि आप सबको पता है कि वित्तीय अनियमितता, रियल एस्टेट डेवलपर एचडीआईएल को दिए गए लोन की जानकारी छिपाने और गलत जानकारी देने के लिए बैंक पर शुरू में 23 सितंबर 2019 को 6 माह की पाबंदी लगी थी, जिसे समय समय पर संशोधित किया गया। इस दौरान तय सीमा से ज्यादा पैसे निकालने की मनाही कर दी गई। तो 6 माह की पाबंदी के बाद इसे फिर से 3 महीने बढ़ा करके 22 जून 2020 किया गया। इसके बाद फिर से पाबंदी की अवधि बढ़ा करके 22 दिसंबर 2020 और उसके बाद 31 मार्च 2021 किया गया था, लेकिन अब 30 जून 2021 तक पाबंदी जारी रहेगी। यानी 30 जून 2021 तक बैंक के ग्राहक तय सीमा से ज्यादा पैसे नहीं निकाल सकेंगे और यह सीमा है मेडिकल इमरजेंसी नहीं होने पर 1 लाख रुपए प्रति ग्राहक, जबकि मेडिकल इमरजेंसी होने पर 5 लाख रुपए प्रति ग्राहक। इसी बीच बैंक को रिवाइव करने यानी फिर से पटरी पर लाने की कोशिश जारी है। पीएमसी बैंक के पुनर्निर्माण के लिए योग्य निवेशकों के साथ बातचीत और सही निवेशक के चयन की प्रक्रिया जारी है। आरबीआई ने 26 मार्च 2021 को बैंक पर पाबंदी की अवधि बढ़ाकर के 30 जून 2021 तक करते हुए कहा है कि पीएमसी बैंक को 3 नवंबर 2020 को बैंक द्वारा जारी रुचि की अभिव्यक्ति यानी ईओआई के जवाब में इसके पुनर्निर्माण के लिए कुछ निवेशकों से बाध्यकारी प्रस्ताव प्राप्त हुए थे। रिजर्व बैंक और पीएमसी बैंक वर्तमान में संभावित निवेशकों के साथ चर्चा कर रहे हैं ताकि जमाकर्ता और अन्य हितधारकों के लिए सर्वोत्तम संभव शर्तों को सुरक्षित किया जा सके, जबकि पुनर्निर्मित इकाई की दीर्घकालिक व्यवहार्यता सुनिश्चित की जा सके। पीएमसी बैंक की वित्तीय स्थिति को देखते हुए प्रक्रिया जटिल है और इसमें कुछ और समय लगने की संभावना है, ये कहना है आरबीआई का। यानी पीएमसी बैंक के ग्राहकों को अपने पूरे पैसे वापस पाने के लिए कुछ और इंतजार करना पड़ सकता है आरबीआई के मुताबिक। आरबीआई ने आगे कहा है कि इन परिस्थितियों में उपरोक्त निर्देशों का विस्तार करना आवश्यक माना जाता है। तदनुसार यह जनता की जानकारी के लिए एचआर द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि 23 सितंबर 2019 के उक्त निर्देश की वैधता, जिसे समय समय पर संशोधित किया गया, 1 अप्रैल 2021 से 30 जून 2021 तक आगे की अवधि तक बढ़ा दी गई है और जो समीक्षाधीन है, यह स्पष्ट किया जाता है कि जैसे ही उक्त उद्देश्य प्राप्त हो जाते हैं पुनर्निर्माण की प्रक्रिया हर संभव प्रयास तब तक शुरू की जाएगी। आपको बता दूं कि 15 दिसंबर 2020 तक बैंक को रिवाइव करने में रुचि दिखाने वाले 4 प्रस्ताव रिजर्व बैंक को मिले हैं। तो इन सब पर रिजर्व बैंक चर्चा कर रहा है और सही निवेशक की तलाश कर रहा है ताकि बैंक को लंबी अवधि तक के लिए ठीक ठाक से चलाया जा सके और अच्छी स्थिति में बैंक को लाया जा सके, ताकि डिपॉजिटर्स के पैसे को वापस किया जा सके, उनके पैसे को सुरक्षित किया जा सके। प्रतिबंध के दौरान बैंक के ग्राहकों पर पैसे निकासी की सीमा निर्धारित की गई है। हालांकि पैसे निकासी की सीमा समय समय पर संशोधित करके बढ़ाई जाती रही है। 5 नवंबर 2019 को आरबीआई ने प्रतिबंध की अवधि के दौरान प्रति ग्राहक 50,000 रुपए और मेडिकल इमरजेंसी की स्थिति में 1 लाख तक निकालने की अनुमति दी थी। 19 जून 2020 को पैसे निकासी की सीमा मेडिकल इमरजेंसी नहीं होने पर भी बढ़ाकर 1 लाख रुपए प्रति ग्राहक तक कर दी गई, जबकि मेडिकल इमरजेंसी होने पर 5 लाख रुपए प्रति ग्राहक निकाल सकते हैं। तो ये ताजा अपडेट जो है 19 जून 2020 को तय सीमा के हिसाब से है। 1 लाख तक की सीमा प्रतिबंध की कुल अवधि के दौरान की है। कहने का मतलब है कि अगर किसी ग्राहक ने बैंक से 50,000 रुपए निकाले हैं तो अब केवल 50,000 रुपए ही निकाल सकते हैं। आरबीआई का कहना है कि 1 लाख की निकासी सीमा लागू करने के बाद बैंक के 84% डिपॉजिटर्स अपने पूरे पैसे निकालने की स्थिति में आ गए हैं। तो इस प्रतिबंध के दौरान पीएमसी बैंक न तो किसी को नया कर्ज दे सकता है, नहीं पुराने कर्ज को रिन्यू कर सकता है, नहीं डिपॉजिटर्स
एक तय लिमिट से ज्यादा पैसे निकाल सकते हैं। इस अवधि के दौरान बैंक ना तो कोई लोन रिन्यू कर सकता है और न ही कोई नया निवेश कर सकता है। बैंक में कोई फ्रेश डिपॉजिट भी जमा नहीं की जा सकती है। बैंक किसी भी देनदारी के लिए कोई पेमेंट भी नहीं कर सकता है। आपको बता दूं कि बैंक की 7 राज्यों में 137 शाखाएं हैं, उनमें से 95 यानी सबसे ज्यादा शाखा मुंबई और मुंबई से जुड़े हुए उपनगरों में है, यानी MMR में है। बैंक में करीब 9 लाख ग्राहकों के जीवन भर की कमाई जमा है। कई लोग जो रिटायरमेंट के जिनको पैसे मिले थे वो सारे के सारे पैसे उन्होंने PMC बैंक में जमा कर दिए थे। जो छोटे मोटे धंधे करते हैं, लोग ठेला चलाते हैं, पान गुमटी लगाते हैं, ऑटो चलाते हैं, सब्जियां बेचते हैं, उन लोग थोड़े थोड़े पैसे जमा करके PMC बैंक में रखे हुए, तो उनका पैसा फंसा हुआ है। तो इस तरह से PMC बैंक के ग्राहकों को अपने पूरे पैसे के लिए अभी और इंतजार करना पड़ सकता है। उम्मीद है कि 30 जून 2021 जो अभी नई अवधि बढ़ाई गई है, उस दौरान कोई ना कोई समस्या का समाधान निकल जाएगा और ग्राहकों के लिए अच्छी खबर आ सकती है। तो बी योर मनी मैनेजर में आज इतना ही, लेकिन अभी तक अगर आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें। लोगों को, अपने रिश्तेदारों को, जानकारों को, दोस्तों को इस यूट्यूब चैनल को देखने के लिए कहें, सब्सक्राइब करने के लिए कहें, शेयर करने के लिए कहें, क्योंकि इस यूट्यूब चैनल पर आपके काम की बात की जाती है, आपके पैसों से जुड़े हुए सवालों के जवाब दिए जाते हैं। तो बी योर मनी मैनेजर में आज इतना ही। नमस्कार।